दोस्तों मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ कनाडा से और इस वक्त साढ़े सात बजे हैं शाम के मेरे साथ जुड़ चुके हैं तारिक फ्रॉम कश्मीर और आइए इनका मसला सुनते हैं क्या है सिचुएशन और कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं तो तारिक भी बताइए समरी बताइए क्या चक्कर है क्या क्या सिचुएशन है जस्ट के बी समरी प्लीज गुड इवनिंग सर सर एक्चुअली मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ तो मैंने अपनी बेटी के लिए विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था अगस्त में अप्लाई किया था तो अनफॉर्चुनेटली उसका रिजेक्शन आया सर लास, लास्ट लास्ट मंथ तो बेसिकली हम लोग पहले तो मैं दुबई में जॉब करता था वहां पे हम लोगों ने फैमिली एज फैमिली सबका अप्लाई किया था मैंने विजिट वीजा के लिए तो लकीली सब का विजिट वीजा अप्रूव हो गया था लेकिन ये जो बेटी है इसका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था तो हम ट्रेवल नहीं कर पाए ये कोविड की वजह से तो फिर उसका वीजा एक्सपायर हो गया तो इसीलिए मैंने फिर से अप्लाई किया था लेकिन अनफॉर्चूनेटली वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है जी 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 हां मदर आपकी जो आई एम सॉरी उनकी मदर जो बच्चे की मदर है वो आ, अभी कनाडा चली गई हैं जी सर जी सर जी सर एक्चुअली हम लोग ट्राई कर रहे थे कि वहां पे कुछ जॉब कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो लकीली उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई वहां पे तो उन्होंने हम लोग काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे तो उन्होंने एलएमआई का अप्रूवल भेजा तो फिर मैंने ट्राई की थी मैंने सोचा था कि मैं यहीं से इंडिया से ही अप्लाई करूंगा वर्क परमिट के लिए तो तो इसलिए हम लोगों ने प्रेफर कि परमिट okay. तो उसी लिए मैंने अप्लाई किया था इसका अगस्त में तो लेकिन वो जब रिजेक्शन जब नहीं आया क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम लग रहा है विजिट विजा के लिए तो जब विजिट वीजा का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो फिर उसको ट्रेवल करना पड़ा वो चली गई कनाडा तो उसके बाद ही फिर वो रिजेक्शन आया सर ठीक है मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज कर दूं आप सिर्फ गौर करके सुने मेरी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को और उसके सर, बाद आपको भी क्लियर हो जाएगा और जो लोग सोच देख रहे हैं इसको उन्हें भी क्लियर हो जाएगा कि है क्या माजरा और इन फ्यूचर अगर हमारे पास उनके पास अगर ऐसी कोई बात होती है तो वो क्या गलती उनसे बच सकते हैं क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं पहली बात तो ये है कि आपको दुबई से वीजा मिला था और दुबई से वीजा मिलना आपके पास ऑलरेडी वहाँ पर एक नौकरी होगी और आपके सेटलमेंट अच्छी होगी ज़ाहिर है आपके भी पास, भी। पास पैसे वगैरह होंगे आप मेरे पास बात सिर्फ सुनते जाएं आई विल आस्क यू क्वेश्चन जब आप बोलें आप सिर्फ सुनते जाएं तब आपकी दुबई में सेटलमेंट अच्छी होगी और आपके पास आ, आ, पुरानी शायद यूएस एस वाला का भी ट्रैवल होगा वीजा वगैरह होगा इससे इस आपका कैनेडा का ट्रैवल वीजा आपको उन्होंने दे दिया और आपने शायद हमें ये भी लिख बताया था कि क्योंकि बच्चे का जो वीज़ा खत्म हो रहा था सॉरी पासपोर्ट खत्म हो रहा था इसलिए बच्चे का वीजा लिमिटेड था तो उसको आपको दोबारा इंडिया में आके करना पड़ा और एक बार जब आप दुबई की नौकरी वाला सब बोरिया बिस्तर लपेट के जब वापस आप इंडिया आ गए तो वो सारे हालात खत्म हो गए जिस बेस पे आपको इनिशियली वीजा मिला था तो तब अगर आपने अगस्त में अप्लाई किया बच्चे के लिए तो वो जो नए वीजा ऑफिसर ने देखा उसको जांचा परखा कि भाई ये तो हालात खत्म हो गए वहाँ वाले तो अब यहाँ पर आके दोबारा बच्चे को वीजा और अभी तो कोविड वाला बीमारी भी चल रही तो उसको वीज़ा मिलना मुनासिब नहीं है तो उसने आ, मना कर दिया दूसरा पहलू ये ये है कि उस आपके वाइफ को अगर जॉब जॉब मिल गई है का चक्कर चल गया वहाँ पर चली गई हैं अभी वो वहाँ पर गई हुई हैं अभी तो उनके पास वर्क परमिट शायद मिला नहीं है अभी तो टूरिस्ट वीजा पे ही है वहां पर कनाडा में करेक्ट हाँ ना जी सर जी सर जी तो इसमें आपने जो ये पहल करी जल्दबाजी मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी आपने शो करी कि यहाँ के हम इसको लंबी जो डिले को अवॉइड करके वहाँ पर चले जाएंगे और वहाँ पर जाके कन्वर्ट कर जाएंगे मेरे ख्याल है कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा कहीं हमारे हाथ ना चल जाए अब अभी कनाडा में जो उन्होंने जो वर्क परमिट की एप्लीकेशन करी है वो अभी एक दो महीने हो गए उसको एक महीना हो गया कितने महीने हो गए सर दो महीने हो गए दो महीने हो गए अभी ये नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा हो सकता है कि एक महीना दो महीना छः महीने या मे बी इवन लॉन्गर कुछ नहीं पता कब उसका वर्क परमिट मिलेगा या मिलेगा भी नहीं मिलेगा तो अगर आपने खुद जाना है और बच्चे को दोबारा भेजना है तो जब तक उसको वर्क परमिट नहीं मिलता तब तक आप कोई भी वीज़ा इस्तेमाल ना करें कोई आप ट्रैवल ना करें आपके जो वीज़ा लगे हैं आपके पासपोर्ट में और दूसरे बहन के पासपोर्ट उसके इसके दूसरे बच्चे के पासपोर्ट लगे हैं वो ठीक है उसको लगे रहेंदे जब जब वाइफ का वर्क परमिट मिल जाएगा तब आप अब न्यू डेली हाई कमीशन से दोबारा से अपने लिए वर्क परमिट और दोनों बच्चियों के लिए स्टडी परमिट अप्लाई करें तो ये ये है सही कानूनी सलाह इसके अलावा जो भी कुछ करना टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला जी ठीक है सर जी बताएं और बताएं इसके बारे में और क्या है नहीं सर और, और एक चीज मुझे पूछना था आपसे कि इसका वर्क परमिट का प्रोसेसिंग टाइम का कुछ ये कर सकते हैं मतलब कुछ एक्सपेडाइट कर सकते हैं वहाँ पे नहीं एक्सपेडाइट करना किसी के बस में बात नहीं है जब तक कोई ऐसी कोई कोई एमरजेंसी ना हो कोई ऐसा कुछ वो चक्कर ना हो के वो वर्क परमिट को इकोनॉमिक कंडीशंस के जो है उसके हिसाब से वो चलेगा एल उसको मिला हुआ है और एल की कैटेगरी क्या है क्या जॉब थी उसकी सर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट तो ऐसे ही है जैसे नॉर्बल ऑफिस वर्कर होता है अगर कोई हेल्थ केयर नर्स वाला होती कोई कोविड से रिलेटेड कोई चक्कर होता तो शायद हम सोच सकते थे कि कुछ आ, कुछ इसमें हाथ पैरए हम बाकी तो Uh, वो तो मतलब ऑफिस इज मच यू नो जस्ट लाइक रन ऑफ द मेल तो इसमें अब कितना टाइम लगे या कुछ नहीं कह कह सकते अभी तो शो कर रहा है कि यू नो चार महीने शो कर रहा है मोरोलेस लेस तो चार महीने तो वेट करें करें दो महीने हो गए दो महीने और वेट करें तो जब वर्क परमिट मिल जाएगा uh, जब आपको ये वर्क परमिट मिल जाएगा और uh, उसके बाद uh, जब वो काम करने लग जाएगी जब तनख्वाह मिलने लग जाएगी दैट इज द की जब उनको सैलरी स्लिप और तनख्वाह मिलने लग जाएगी तब जाके आप अपने लिए और अपने रेस्ट ऑफ द फैमिली के लिए दूसरे वीजा कैटेगरी में अप्लाई करें इस वेस्टर वीजा से कुछ नहीं होने वाला मेरे को पता है कि आप बेसब्र हो रहे हैं कि जल्दी जाए यहाँ पर डिले कौन झेलेगा यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे लेकिन उससे वो है आपकी जो बेटी का रिफ्यूज हो गया वो अकेली पड़ जाएगी वो अकेली आप छोड़ नहीं सकते बेटी को करेक्ट जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो इस करके आपको थोड़ा सा सबर का घूट पीना पड़ेगा आपको यहीं पर वेट करना पड़ेगा जब तक कश्मीर की वादियों का लुत्फ लें जी बिल्कुल बिल्कुल ले रहे हैं सर जी 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 कश्मीर के बारे में मैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि कश्मीर से मेरे भी पुराने रूट्स हैं मेरे मदर साइड कश्मीरी हैं लोग और अ, मेरे कश्मीर की बहुत पुरानी याद है करीब चालीस साल पहले मैं आया था मैं भी अभी भी वहां की कुछ कुछ हाँ सॉरी वो उसका भूल के मौस था हजरत बल नाम था शायद उसका वहाँ भी मैं गया था और वहाँ से इधर उधर की जो डल लेक के आसपास के जो है वहाँ मेरे को याद है कि मैं सेब तोड़ तोड़ के खाता था सेब पेड़ से तो मैं आई वॉस हार्डली टेन ईयर्स ओल्ड और एलेवन ईयर्स ओल्ड तो मेरे को अभी वो पता नहीं था कि भाई सेब सेब को पेड़ से भी तोड़ के ऐसे खाने की पॉसिबिलिटी क्योंकि हम वैसे तो बाजारों से खरीद के खाते थे तो, तो आ, दिस वॉज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कश्मीर और मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि मैं कश्मीर दोबारा जाऊं कश्मीर को देखूं और अपनी पुरानी याद ताजा करूं और मैं आ रहा, आ रहा, मार्च में मार्च में आ रहा हूं मैं दिल्ली पंजाब के बाद मेरा प्लान है कि अमृतसर से फ्लाई करके मैं श्रीनगर जाऊंगा सर यू आर मोस्ट वेलकम मैंने अपना नंबर भी शेयर किया हुआ है तो मैं तो मुझे लग रहा है कि तब तक तो मैं इधर ही हूँ तो आप प्लीज अ कॉल जी 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 चलो ठीक है आप थोड़ा केस के बारे में समझ गए क्लियर हो गया सारा क्या है जी जी बिल्कुल क्या करी है। ये बारे में बताएं पहले मैंने यही तो इंडिया से ही अप्लाई करना था वर्क परमिट प्रोसेस इंडिया से ही करना था सबको फिर साथ में ही चले जाना था दूसरी गलती क्या करी आपने दूसरी गलती सर ये की उसको वहां पे भेजा इनसाइड कनाडा भेजा वहां पे मतलब अकेले वहाँ पे भेजा और हम लोग यहाँ पे इसका विजिट वीजा अप्लाई किया मैंने वो दूसरी गलती है कि आपने अपनी बीवी को पहले भेज दिया वो पता नहीं दो महीने तीन महीने चार महीने छह महीने कैसे अकेले गुजारेगी क्या करेगी मतलब आप आप थोड़ा परेशानी में आ गए ये तो दूर ये दूसरी गलती है तीसरी गलती एक और करी आपने की अपनी छोटी बेटी का आपने जो टूरिस्ट वीजा आपने लगा दिया अगस्त में लगा दिया बगैर बगैर समझे कि टूरिस्ट वीजा मिलने का डिस्क्रिप्शन क्या है वीजा ऑफिसर जो दिल्ली में बैठा है वो कोई बेवकूफ तो है नहीं अनपढ़ आदमी है कि कि वो समझ नहीं रहा कि क्या गेम चल रहा है तो वो ये देख रहा है कि भी इसने टूरिस्ट वीज़ा ठीक है तब तब वो इशू हो गया था तब तो दुबई का वो चक्कर चल रहा था अब तो दुबई भी नहीं है अब आप बैठे हैं इंडिया में आपकी इतनी नौकरी है, वो सब नहीं है सर वो टूरिस्ट वीजा मिलना नहीं था ये आपकी तीसरी गलती है आपको कभी नहीं करना चाहिए था अगर आप मेरे से पूछते पिछले साल तो मैं आपको मना कर देता कई लोग कई बार लोग पूछते हैं कि जी आप कंसल्टेशन के लिए पैसे क्यों चार्ज करते हो जी पैसे इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि आपको सही लाइन पे और guidance. सही मार्गदर्शन देना सही गाइडेंस पे आपको कान खींच के आपको सही उस पर लाते हैं इसके लिए हम पैसे लेते हैं जी बिल्कुल 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 सर एक चीज मुझे आपसे पूछना था जो ये रिजेक्शन लेटर आई है ये ओटावा से आई है हाँ कोई बात नहीं ओटावा मतलब वो क्या है आजकल वीजा ऑफिसर हर दुनिया में फैले हुए हैं तो ऑनलाइन जाती है एप्लीकेशन कहीं भी जा सकती है जहां पर इन्वेन्टोरी खाली हो जहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर को यू नो अवेलेबल हैं तो कहीं भी भेज सकते हैं इट डज नॉट मैटर ओटावा से आई है दिल्ली से आई है मेरे पास कई ऐसे भी लेटर हैं जो इंडिया में लोग रह रहे हैं उनकी वेतनाम से आई है या कहीं या इवन इवन यूरोप से आई है उनकी मतलब कहीं जैसे आपका पेरिस से या कोई स्वीडन से इस तरह से आई है तो वीज़ा इनालिस और वीज़ा रूल्स दे आर प्रटी मच द सेम बेस्ड ऑन यहाँ तो इंडिया में तो पॉपुलेशन इतनी है हमारी यहाँ एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उस कंट्री में इतनी एप्लीकेशन होती नहीं है तो वहाँ के वीजा ऑफिसर वेले बैठे हैं और मक्खी मार रहे हैं यहाँ पर हमारे पास सिर को जाने तक को टाइम नहीं है जी 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 थैंक यूक यू थैंक यू आई विश यू गुड लक एंड नो होप फॉर द बेस्ट थैंक यू वेरी मच थैंक यू